Hello once again to Literary Tutorial by Anisha Manga. Today's topic is King Lear by William Shakespeare. In this, I would be highlighting the important highlights, fact, influenced, from where the work has been influenced, characters, summary, quotes, and lot more. So please stay tuned till the end of the video. Thank you. Let's start. King Lear. Among the great tragedies of Shakespeare, Hamlet, Othello, Macbeth, and King Lear are the four great tragedies of Shakespeare. And in today's video, we are going to discuss about the King Lear. Background, first of all, it is based on mythological Lear of Britain. The quatrio version is different significantly from the folio version. It has been given in different versions in the folio and the quatrio. Now, from where it has been influenced? Ye jo text hai, the story of Lear appears in Geoffrey of Monmouth's History of Regime Britannia, which was written in 1135. उसके बाद जॉन हिंग की पोएम है द मिरर ऑफ आवर मैजिस्ट्रेट जो 1574 में आई थी उससे इन्फ्लुएंस्ड है. उसके बाद हॉलिनशियड क्रॉनिकल्स जो 1587 है उसमें से कुछ मटेरियल लिया गया है. एंड सम ऑफ द इवेंट हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द फिलिप सिडनीज अकाडिया. अकाडिया वॉज रिटन इन 1519. प्लीज ये भी जॉट डाउन कर लीजिए साथ साथ. अब अडेप्टेशन जो है वो कहां से हुई है. द स्टोरी ऑफ किंग लियर इट वॉज ओरिजिनली अ हैप्पी वन. सबसे पहले जब अडेप्टेशन जहां से ली गई थी उसकी एंडिंग जो थी वो हैप्पी थी. ठीक है, जो क्रॉनिकल्स ऑफ जॉफरी ऑफ मॉनमथ का है जो 12th सेंचुरी में लिखा गया था उसकी जो एंडिंग थी वो बहुत ही हैप्पी थी. बट शेक्सपियर ने क्या किया, बट शेक्सपियर प्ले एंड विद अ ट्रेजिक मोड विद सैड एंडिंग. ठीक है, तो कई लोगों को पसंद नहीं आया ये जो ट्रेजिक एंडिंग थी. तो नहुम थेटे ने हु वाज अ पोएट लॉरिएट 1643 में रीरोट किया इसको एंड इट वाज हैड अ हैप्पी एंडिंग. जो नहुम थेटे ने जो लिखी थी रीराइट की थी उसकी हैप्पी एंडिंग थी. ठीक है, उसको काफी अप्रिशिएट किया गया. बट लेटर ऑन क्या हुआ, इन 19th सेंचुरी में द ओरिजिनल टेक्स्ट वॉज लाइक द मोस्ट. अब उसको कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि जो पुराना जो टेक्स्ट था शेक्सपियर का किंग लियर का वो ज्यादा बेहतर था. और इसके लिए इन दिस कंटेक्स्ट जो शॉ थे उन्होंने लिखा नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर. कि लियर की जो ट्रेजेडी है इससे अच्छी कोई भी नहीं लिख सकता. इसका फुल नेम है द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर. It was drafted in 1605 or 1606. It was first performed on St. Stephen's Day in 1606. अब हाइलाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सब प्लॉट जो है इसका, शेक्सपियर एडेड द सब प्लॉट इन्वॉल्विंग द ग्लॉस्टियस एंड हिज टू सन. अब मेन प्लॉट तो है किंग लियर का, उसके साथ साथ एक सब प्लॉट भी है जिसमें ग्लॉस्टर है जो, और उसके दो सन्स के बारे में बताया गया है, दो बेटों के बारे में जिनका नाम है एडगर एंड एडमंड. अब ये जो है द स्टोरी रन्स पैरेलल टू द फेट ऑफ लियर एंड हिज थ्री डॉटर्स. मतलब ये जो दोनों जो स्टोरीज चलती हैं मेन प्लॉट और सब प्लॉट ये पैरेलल चलता है. जैसा कि लियर के साथ हुआ वैसा ही ग्लॉस्टर के साथ होता है. द स्टोरी ऑफ ग्लॉस्टर वॉज बोरोड लूजली फ्रॉम सर फिलिप सिडनीज द काउंटेस ऑफ पेम्बोक अकाडिया, जिसमें मैंने पहले बताया है कुछ एपिसोड वहां से लिए गए हैं. अब हम बात करेंगे अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर जो है इसके जो दो बेटे हैं एडमंड और एडगर. जो एडगर है ही इज द फर्स्ट बॉर्न सन और जो एडमंड है ही इज द इलेजिमेट सन ऑफ ग्लॉस्टर. ठीक है, एडमंड इज द लेजिटेट और द बास्टर्ड सन एंड वाई एडगर इज द ब्रदर एंड द लेजिटिमेट वन.
ठीक है। अब यहाँ पर एक और कोटेशन इम्पोर्टेंट है, एज फ्लाई टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। अब वो बोलता है, ग्लॉस्टर बोलता है, ये ग्लॉस्टर बोलता है एक्ट 4 सीन 1 में, जहां पर वो बोलता है कि हम लोग जस्ट कठपुतलियां हैं और भगवान जो है हमारे हमें अपने इशारों पे नचाते रहते हैं। Gloucester suffered a similar fate to Lear as he is tricked by the illegitimate son Edmund into believing that his son Edgar is treacherous only to realize his mistake later. जैसे Lear जो है वो बाद में अपनी mistake realize करते हैं, वैसे ही Gloucester जो है वो बाद में अपनी mistake realize करते हैं कि उनका अच्छा बेटा कौन है। The difficulty faced by the Gloucester are parallel to the difficulty faced by the Lear. अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की। लियर है वो किंग ऑफ ब्रिटेन है, ठीक है। उनकी 3 बेटियां हैं, एल्डेस्ट है गोनरल, मिडल है रेगल एंड थर्ड वन इज यंगेस्ट वन डॉटर कॉर्डिलिया, जो इनसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। ऑल ऑफ कैंट अदर कैरेक्टर्स जो हैं, लेटर डिस्गाइज्ड एज काइसस फूल, लियर्स फूल, ड्यूक अल्बानी गोनरल्स हस्बैंड, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल रीगल्स हस्बैंड, जेंटलमैन अटेंड्स कॉर्डिलिया, ऑस्वाल्ड गोनरल्स लीगल स्टुअर्ट, किंग ऑफ फ्रांस सूटर एंड लेटर हस्बैंड टू कॉर्डिलिया, ड्यूक ऑफ बर्गंडी हु केम एज अ सूटर टू कॉर्डिलिया बट लेटर ऑन रिजेक्ट्स हर बिकॉज शी डू नॉट हैव एनी वेल्थ because this Lear disowns Cordelia, old man tenant of Gloucester and Curan a courtier. Now what is the outline? In the opening of the play, the Lear king divides his kingdom among 2 daughters who flatters him, whereas banish the third one who loves him the most but denies to फ्लैटर है। अब यहाँ पर फ्लैटरी के ऊपर बात आ जाती है सारी, कि जो किंग लियर होता है वो चाहता होता है कि उसकी जो बेटियां हैं वो उसको फ्लैटर करें। पहली 2 जो है वो उसको फ्लैटर करती हैं, तो वो अपने जो किंगडम होता है उनके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता है, बट जो थर्ड वन होती है जो एक्चुअल में उसको प्यार करती है वो मना कर देती है, वो बोलती है मैं आपको फ्लैटर नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक डॉटर को अपने फादर को करना चाहिए, ठीक है। तो जो 2 डॉटर हैं वो क्या करते हैं, उसमें बांट देते हैं सारी जायदाद, और फिर लेटर ऑन वही 2 डॉटर्स जो हैं वो उसको रिजेक्ट कर देती हैं एंड डू नॉट एडमिट हिम एट देयर होम्स। इससे क्या होता है, लियर पागल हो जाता है और इधर उधर भटकता रहता है। फिर जो उसकी बैनिश्ड डॉटर होती है कॉर्डिलिया, हिज बैनिश्ड डॉटर रिटर्न्स विद एन आर्मी बट दे लूज द बैटल एंड ऑल डाइज। एक्ट 1, अब हम लाइन वाइज शुरू करेंगे। किंग लियर ऑफ ब्रिटेन हु इज अबाउट टू गेट रिटायर फ्रॉम द ड्यूटीज ऑफ मोनार्की डिसाइडेड टू डिवाइड हिज रियल अमंग द 3 डॉटर्स ऑन द बेसिस ऑफ लव दे ऑट टू डू हिम द मोस्ट। Moved by the flattery of the first 2 daughters, he grants his share to Goneril and Regan. उन दोनों में जायदाद मान देता है क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं किंग लियर के बारे में। But the third one, the youngest and the favorite daughter, Cordelia. Initially तो जो किंग लियर होता है वो Cordelia को बहुत प्यार करता होता है, पर जब वो उसको फ्लैटर करने के लिए मना कर देती है तो वो उसको बैनिश कर देता है, डिसओन कर देता है। Comes at first, she refuses to say anything and then declares there is nothing to compare her love, no words to express it properly. कि कोई भी words है वो मेरे प्यार को बयान नहीं कर सकती। She says nothing, my lord. मेरे पास कुछ नहीं है बयान करने के लिए। She says honestly but bluntly that she loves him according to her bond between father and daughter, neither less nor more. And will reserve half of her love for the future husband. Lear disinherits Cordelia and divides her share between the 2. अब वो क्या बोलती है? I cannot heave my heart into my mouth. I love your majesty according to my bond. No more, no less. ये Cordelia बोलती है act 1 scene 1, ठीक है।
तो फिर इसके रिस्पॉन्स में जो लियर होते हैं वो बोलते हैं, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट टूथ इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, कि थैंकलेस चाइल्ड होना बहुत ही ज्यादा भयानक चीज है, शार्प थिंग है। फिर किंग्लियर आगे बोलता है एक्ट वन सीन वन में, अगर तुम कुछ भी नहीं कहोगी तो तुम्हें तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग विल कम फॉर नथिंग। सो इंडीड ही इज आस्किंग हर टू फ्लैटर हिम। द अर्ल ऑफ ग्लौस्टर एंड अर्ल ऑफ केंट ऑब्जर्व दैट बाय डिवाइडिंग हिज रेल्म बिटवीन द गोनरिल एंड रेगन, लियर हैज अवॉर्डेड हिज रेल्म इन द इक्वल शेयर टू द पीरेज ऑफ द ड्यूक ऑफ एल्बनी एंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवल। केंट ऑब्जेक्ट्स टू द लियर्स अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्डेलिया। अब जो कैंट होता है वो ऑब्जेक्ट करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, इससे आप जो लियर होता है वो उसको भी बैनिश कर देता है कंट्री से। लियर देन समन द ड्यूक ऑफ बर्गंडी एंड किंग ऑफ फ्रांस हु हैज बोथ प्रपोज फॉर द मैरिज। अब वो दोनों को बुलाता है जिन्होंने कॉर्डिलिया के लिए आए थे एज अ सूटर। तो लर्निंग दैट कॉर्डिलिया हैज बीन दिस इनहेरिट द ड्यूक ऑफ बर्गंडी विदड्रॉ हिज सूट, वो चला जाता है, वो बोलता है कि एज सच इसके पास कुछ नहीं है तो मैं इसे अपनाऊंगा नहीं। बट जो किंग ऑफ फ्रांस होता है वो उसकी ऑनेस्टी के साथ बहुत खुश होता है और वो उसके साथ मैरिज कर लेता है। द किंग ऑफ फ्रांस इज शॉक्ड बाय लियर्स डिसीजन बिकॉज अब तक वो उसे सिर्फ प्रेज ही कर रहा था और वो उससे कहता था कि वो कॉर्डिलिया उसकी फेवरेट है। मीन वाइल ग्लौस्टर हैज इंट्रोड्यूस हिज इनलेजिटिमेट सन एडमंड टू केंट। एज ही डिवाइडेड हिज किंगडम अमंग द टू ही अनाउंसेस दैट ही विल लिव अल्टरनेटली विद गोनरिल एंड रीगल। वो कहता है कि मैं एक अल्टरनेटिवली रहूंगा, ठीक है, बट मेरे साथ 100 जो नाइट्स है मेरे साथ हमेशा रहेंगे। गोनरिल और रेगन आपस में प्राइवेटली बात करते हैं कि उन्होंने कैसे अपने फादर को फूल बनाया और सारी जायदाद ले ली। ग्लौस्टर्स बास्टर्ड सन एडमंड रिसेंट हिज इनलेजिटिमेट स्टेटस एंड प्लॉट टू डिस्पोज ऑफ इनलेजिटिमेट ओल्डर हाफ ब्रदर एडगर। अब क्या करता है, एडमंड एडगर को अपनी जायदाद से बेदखल करवा देता है, प्लॉटिंग करता है। वो अपने फादर को ट्रिक करता है बाय फॉर्जिंग फॉर्ज लेटर एंड उनको ये विश्वास दिलाता है कि एडगर उनको धोखा दे रहा है। द अर्ल ऑफ केंट रिटर्न्स फ्रॉम एग्जाइल इन डिस्गाइज एंड लियर हायर्स हिम एज अ सर्वेंट। केंट को जिसने उसने बैनिश कर दिया था वो डिस्गाइज करके आ जाता है। एट एल्बनी एंड गोनरल्स हाउस लियर एंड केंट क्वारल विद ऑस्वेंट। गोनरल्स स्टीवर्ड लियर डिस्कवर दैट नाउ दैट गोनरल हैज पावर शी नो लॉन्गर रिस्पेक्ट हिम। शी ऑर्डर्स हिम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ हिज डिसऑर्डरली रिट्यून। अब वो बोलती है जो 100 जो तुमने अपने साथ नाइट्स रखे हुए हैं इसको कम कर दो क्योंकि हमारे पास इनको संभालने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। अब ये बहुत ही उस सब को गुस्सा आ जाता है लियर को और वो घर छोड़ के चला जाता है। द फूल री अप्रोचेज लियर विद हिज फुलिशनेस इन गिविंग एवरीथिंग टू रीगन एंड गोनरिल। और फिर वो ये भी बात बताता है कि जैसे उन्होंने किया है वैसे रीगन विल ट्रीट। एक्ट टू शुरू हो जाता है। एडमंड लर्न्स फ्रॉम द क्यूरिन अ कोर्टियर दैट देयर इज लाइकली टू बी वॉर बिटवीन द टू एंड दैट रीगन एंड कॉर्नविल आर टू अराइव एट ग्लौस्टर्स हाउस दैट इवनिंग। Taking the advantage of the arrival of Duke and Regan, Edmund fakes an attack by Edgar and Gloucester is completely taken in. He disinherits Edgar and proclaims him outlaw. Bearing Lear's message to Regan, Kent meets Oswald again at the Gloucester's home, quarrel with him again and is put in the stock by Regan and her husband. When Lear arrives, he objects to the mistreatment of his messenger, but Regan is as dismissive of her father as Goneril. But वो भी वैसे ही treat करती है जैसे कि Goneril treat करती है। अब इसको Lear को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। Goneril arrives and support Regan's argument against him. अब वो Goneril आती है और Regan को support करने लगती है। इससे उसका जो गुस्सा होता है Lear का वो और तेज हो जाता है और वो storm में बाहर
चला जाता है और फूल उसके साथ कंपनी करता है. कैंट लेटर फॉलोज टू प्रोटेक्ट हिम. ग्लॉस्टर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लियर्स मिसट्रीटमेंट. विद लियर्स रीट्यून ऑफ 100 नाइट्स डिसॉल्व द ओनली कंपनी ही वॉज लेफ्ट विथ फूल एंड कैंट. अब लियर के जो 100 थे वो तो नाइट्स चले गए थे तो उसके पास सिर्फ दो जने रह गए थे, फूल और कैंट. Wandering on health after the storm, Edgar in guise of a madman named Tom meets Lear. अब Edgar आता है disguise होकर, जैसे पहले Kent आया था अब Edgar आया है और Lear को मिलता है. Edgar babbles madly while Lear denounces his daughter. Kent leads them all to the shelter. Act 3. Edmund betrays Gloucester to Cromwell, Regan and Gendron. Gondrin. He reveals evidence that his father, known of its impending French invasion designed to reinstate Lear to the throne, and in fact a French army has landed in the Britain. Once Edmund leaves with Gondrin to warn Unbandy about the invasion, Gloucester is arrested and Regan and Cromwell grudge out Gloucester's house. As they are doing this, a servant is overcome with the rage by what he is witnessing and attacks Cromwell, mortally wounded him. Regan kills the servant and tells Gloucester that Edmund betrayed him, that she turned him out to wander the heath too. Now Act 4. Edgar in his madman's disguise meets his blinded father. क्योंकि Gloucester की आंखें निकाल दी थी तो अब वो ब्लाइंड हो गया है तो वो उसको मिलता है. Gloucester sightless and failing to recognize Edgar's voice beg him to lead him to the cliff at Dover's so that he may jump to his death. Conrad discovers that she finds Edmund more attractive than her husband Albany whom she regards as cowardly. अब Conrad किसके साथ अट्रैक्ट हो रही है? Edmund के पास अट्रैक्ट हो रही है. ठीक है. Albany has developed a conscience. He is disgusted by the sister's treatment of the Lear and Gloucester. अब वो क्या, Albany on the other hand, वो क्या कर रहा है? उसको अब realize हो रहा है वो अच्छा बन रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ये बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं Gloucester और Lear के साथ. And denounces his wife और उनको छोड़ के चला जाता है. Goneril sends Edmund back to Regan. After receiving news of Cromwell's death, she fears her newly widowed sister might steal Edmund and send him a letter to Oswald. अब उधर से Regan का जो husband है वो भी मर गया होता है तो Goneril को ये लगता है कि अब वो widow हो गई है तो शायद वो Edmund को मुझसे चुरा ना ले. Now alone with Lear, Kent leads him to the French army, which is commanded by the Cordelia. अब Cordelia वापस सीन में आ गई है अपनी आर्मी लेकर. But Lear is half mad and terribly embraced by his earlier follies. At Regan's instigation, Albany joins his forces with her against the French. Gondrin's suspicion about Regan's motive are confirmed and retained as Regan rightly guesses the meaning of her letter and declare to Oswald that she is more appropriate match for Edmund. अब क्या होता है कि Cordelia आ गई है और वो Albany को अपने साथ मिला लेती है. उधर से Regan जो होती है उसको पता लग जाता है कि Gondrin का मोटिव क्या है और वो सब समझ जाती है. Edgar pretends to lead Gloucester to cliff, then changes his voice and tells Gloucester he has miraculously survived a great fall. Lear appears by now completely mad. He rants the whole world is corrupt and runs off. Oswald appears still looking for Edmund. On Regan's order, he tries to kill Gloucester, but he is killed by Edgar. In Oswald's pocket, Edgar finds Conrad's letter in which she encourages Edmund to kill her husband and take her as her wife. अब उसको पता लग जाता है Edmund को कि वो Edmund को चाहती है कि वो मेरे husband को मार के मुझे wife बना ले. Kent and Cordelia take charge of Lear, whose madness quickly passes. Regan, Gondrin, Albany and Edmund meet with their forces. Albany insisted that they fight the French invaders but not hunt Lear or Cordelia. The two sisters lust for Edmund, who made
promises to both. अब एडमर ने दोनों को प्रॉमिस किया हुआ था. He considered the dilemma and plots the death of Albanin, Lear and Cordelia. Edgar gives Goneril a letter to Albanin. The armies meet in the battle. The British defeat the French and Lear and Cordelia are captured. उनको कैप्चर कर लिया. Edmund sends Lear and Cordelia off with a secret joint order from him and Goneril for the execution of Cordelia. अब लास्ट आ गया. The victorious British leaders meet and the recently widowed Regan now declares she will marry Edmund. अभी जो Regan थी वो declare करती है कि वो Edmund से marry कर लेगी. But Albany exposes the intrigues of Edmund and Goneril. अब वो बताता है Albany को. Albany जो Regan को बताता है कि Edmund और Goneril उन दोनों ने एक plan बनाया हुआ है. Regan falls ill, having been poisoned by the Goneril. अब जो Goneril थे उसने Regan को मारने का plan बनाया हुआ था और उसको poison दे देती है. Edmund defies Albany, who calls for the trial by combat. Edgar appears masked and in armor and challenge Edmund to a duel. No one knows who he is. Edgar wounds Edmund fatally, though Edmund does not die immediately. Albany confronts Goneril with a letter which was intended to be his death warrant. अब Albany को वो जो letter मिली थी वो Goneril के पास लेके जाता है कि तुमने मेरी death warrant दे दी थी. तो वो क्या करती है, गुस्से में वो और शर्म से वो वहां से भाग जाती है. Edgar reveals himself and report that Gloucester died off stage from the shock and joy of learning that Edgar is alive after Edgar revealed himself to his फादर. कि वो शॉक से ही मर गया जब उसको पता लगा कि एडगर अलाइव है. ऑफ स्टेज Goneril हर प्लान थॉटेड कमिट सुसाइड. द डाइंग Edmund डिसाइड दो ही एडमिट इट इज अगेंस्ट हिज ओन करेक्टर टू ट्राई टू सेव Lear एंड Cordelia, बट हिज कन्फेशन कम्स टू लेट. सून आफ्टर Albany सेंड मेन टू काउंटरमैन Edmund's ऑर्डर. Lear enters bearing Cordelia's corpse in his arms, having survived by killing the executioner. Kent appears and Lear now recognizes him. Albany urges Lear to resume his throne, but as Gloucester, the trial Lear has been through have finally overwhelmed him and he dies. Albany then asks Kent and Edgar to take the charge of the throne. Albany Kent aur Edgar ko bolta hai ab aap चार्ज ले लीजिए. कैंट डिक्लाइंस एक्सप्लेनिंग दैट हिज मास्टर इज कॉलिंग हिम ऑन अ जर्नी एंड ही मस्ट फॉलो. फाइनली Albany और Edgar इम्प्लाइज दैट ही विल नाउ बिकम किंग. सो देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन. देयर द समरी एंड्स एंड आई एम गोइंग टू टेल यू टू इंपॉर्टेंट कोटेशंस. इन पेन ही मॉर्न्स आई एम मैन मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग. किनक्लियर जो है उसकी सिर्फ एक गलती होती है, फ्लैटरी, और उसके लिए उसको बहुत सारा भुगतना पड़ता है. तो ये जो कोटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. फिर एक और कोटेशन आती है. व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई दैट वी कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल. अब ये इंपॉर्टेंट आपकी कोटेशन है, आपको आया आ सकता है कि ये जो कोटेशन है कौन से प्ले से ली गई है. तो इट इज किनक्लियर. सो This was all. Next video is Macbeth and here King Lear's end. Thank you.